पूज्य भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर जिला मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून के आते ही लोगों को गर्मी से तो निजात मिलती है, पर भारी बारिश के चलते जल भराव और बाढ़ की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो मानसून के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सीएम योगी ने कहा, जैसे राज्य स्तर पर एएसडीएम, एनडीआरएफ, एचक्यू और एसडीआरएफ की तीन यूनिट काम कर रही है, इसी तरह प्रदेश जिले में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर उसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कंट्रोल रूम हर जनपद का होना चाहिए और उसी तर्ज पर हम लोग इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप इस उसमें न रहें कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आई है, हमारे जनपद में जल जमाव भी नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी नगर निकाय में, किसी भी वार्ड या मोहल्ले में भी नहीं, और हरेक स्तर पर इसकी जवाबदेही हम सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ या किसी अन्य आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित मैनपावर हर जनपद में होना चाहिए। किसी भी आपदा से पूरी तरह बचाव के लिए जनपद अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। आगे सीएम योगी ने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड या मोहल्ला में जल भराव न हो, इसके लिए हर एक स्तर पर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ नाला नाली, ड्रेनेज इत्यादि की सफाई समय से करवाने का नियम बनवाएं। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की। हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं, अप्रैल में ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। चूंकि मानसून की पहली बारिश प्रदेश के कई जनपदों में हुई है, तो सीएम योगी ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने उससे निपटने हेतु आवश्यक तैयारी भी कर ली होगी। मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था, आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। अब देखना यह होगा कि सीएम योगी के निर्देशों पर अधिकारी खरे उतरते हैं या नहीं, और लोगों को मानसून द्वारा होने वाली परेशानियों से निजात मिलता है या नहीं। रिपोर्ट प्राइम टीवी। मानसून की पहली बारिश प्रदेश के कई जनपदों में हुई है, तो वहीं सीएम योगी ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों से उनसे निपटने हेतु आवश्यक तैयारियां भी कर ली है। अब देखना यह होगा कि सीएम के निर्देश का अधिकारी कितना पालन करते हैं और उनपे किस तरह से खरे उतरते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तय, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।